तिरुपति बालाजी के कई रहस्य और चमत्कारों को हमने सुना है और हर चमत्कार अपने आप में चौंका देने वाला है। तिरुपति में प्रसाद देने वाले पात्र को मुनरो गंगालम के नाम से जाना जाता है, जो एक ब्रिटिशर थॉमस मुनरो के नाम पर है। किस प्रकार एक ब्रिटिशर पूरी तरह से भगवान वेंकटेश्वर के अधीन हो गया, उसकी कहानी इतनी चौंका देने वाली है जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि किस तरह भगवान अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एक ब्रिटिशर भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त बन गए? तिरुपति में 1940 से पहले तक लड्डू प्रसाद में नहीं दिया जाता था। प्रसाद के रूप में पोंगल, जो चावल का प्रसाद है, मीठे चावल, पुलिहारा जैसे प्रसाद दिए जाते थे। साल 1820 से 1827 तक थॉमस मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंट किए गए मद्रास के गवर्नर थे। उस समय में तिरुपति मद्रास प्रोविंस यानी प्रांत में हुआ करता था, इसीलिए एक दिन वे तिरुपति के मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए गए। जैसे ही वे मंदिर के आगे भक्तों को हाथ से प्रसाद खाते देखा, उन्हें एक अजीब सी घृणा सी होने लगी। उन्होंने कहा कि ये कितना स्वच्छता रहित खाने का तरीका है, प्रसाद को हाथों में लेकर इस तरह खाने से कोलेरा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने तुरंत उन भक्तों को प्रसाद त्यागने का निर्देश दिया। थोड़े ही दिनों में थॉमस मुनरो को एक अजीब सी बीमारी जकड़ ली, जिसकी वजह से उन्हें पेट में हमेशा दर्द रहा करता था। इस पेट के दर्द से उनको रातों में नींद नहीं आया करती थी। थॉमस मुनरो वही ब्रिटिश गवर्नर हैं जिन्होंने रैतवारी सिस्टम को दक्षिण भारत में शुरू किया, जिसके अंतर्गत टैक्सेस को सीधा खेत के ओनर से लिया जाता था। इसी क्रम में प्रॉपर्टी डिटेल्स को जानने के लिए एक दिन थॉमस मुनरो मंत्रालय, जो एक छोटा सा शहर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक मठ है जहाँ पर श्री राघवेंद्र स्वामी का समाधि है। जब थॉमस मुनरो ने उस मठ के अधिकारियों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा कि आपको सीधा श्री राघवेंद्र स्वामी से ही पूछना पड़ेगा। ये सुनकर थॉमस मुनरो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री राघवेंद्र स्वामी को समाधि लिए हुए कई साल हो गए थे। फिर भी थॉमस मुनरो ने उन लोगों की बात सुनी और अपने पैरों से जूते और सर से हैट निकालकर अंदर मठ में जा पहुंचे। थोड़ी देर बाद श्री राघवेंद्र स्वामी सीधे समाधि से बाहर निकले और थॉमस मुनरो से अंग्रेजी में उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स को साझा किया। राघवेंद्र स्वामी सिर्फ थॉमस मुनरो को ही दिख रहे थे। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये सारी बातें अंधविश्वास से कनेक्टेड लगती हैं, लेकिन इस कहानी के बारे में आपको सरकारी दस्तावेजों में भी पूरी जानकारी मिलती है। मद्रास डिस्ट्रिक्ट गैजेट में पेज नंबर 213 में इस पूरी घटना क्रम की जानकारी आपको मिलती है। इस छोटे से आर्टिकल का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जिसे भी इंटरेस्ट है वे एक बार इसे चेकआउट जरूर करें। थॉमस मुनरो मंत्रालय में हमेशा आते जाते रहते थे और पूजा पाठ में भी शामिल हुआ करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े संत से हुई, जिन्होंने थॉमस मुनरो के पेट के दर्द का कारण बताया। उन्होंने कहा कि तुमने भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद का अनादर किया था, उसे फेंकवा देने के लिए कहा था, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। थॉमस मुनरो ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर तिरुपति गए और नीचे बैठकर हाथों में प्रसाद ग्रहण किया, और जैसे ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया उनका पेट दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना के बाद थॉमस मुनरो पूरी तरह से बदल गए और भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त बन गए, और उन्होंने मंदिर के अधिकारियों को एक बहुत बड़ा पात्र भी दान में दिया, जिससे रोज भगवान का प्रसाद डालकर भक्तों को दिया जाता था। इसी पात्र को मुनरो गंगालम भी कहा जाता है। कई सालों तक, और कहा जाता है कि आज भी उस पात्र को प्रसाद डालने के लिए यूज किया जाता है। ये ही नहीं, उन्होंने एक छोटे से गांव से आने वाली धन राशि को भी भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद बनाने के लिए
दिया करते थे। थॉमस मुनरो की पांचवी पीढ़ी भगवान वेंकटेश्वर और श्री राघवेंद्र स्वामी के बहुत बड़े भक्त हैं और आज भी वे मंदिर और मठ के दर्शन करने आते हैं। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अनन्यास ही हमें भगवान और भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा नहीं बोल देना चाहिए जिससे कि हमें उसका बुरा परिणाम झेलना पड़े।